तो दोस्तों आज संडे है और मैं हर बार की तरह लेकर आया हूं आपके लिए एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आप भी इस संडे कमेंट बॉक्स के हिस्सा बन सकते हैं और पूछ सकते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कोई यूनिक सवाल। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का कमेंट बॉक्स। तो आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं अर्णव सेकिया और ये लिखते हैं, सर मेरे पास इंडिका टर्बो है, मेरी गाड़ी लेफ्ट पुल कर रही है, अलाइनमेंट भी सही करवाया मगर वहाँ पे कैम्बर और टो एडजस्ट कर दिया है, कैस्टर का रीडिंग भी नहीं आया। अलाइनमेंट वाले बोल रहे हैं कि इंडिका में कैस्टर एडजस्ट नहीं होता है, फिर भी कार लेफ्ट पुल कर रही है। तो अर्णव भाई, आपके पास इंडिका कार है और आपने व्हील अलाइनमेंट करवा लिया है, तो आप अपनी गाड़ी का जो फ्रंट टायर हैं उनको एक बार रोटेट कराएं, यानी फ्रंट व्हील्स को लेफ्ट और राइट रोटेट करें, लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में, उसके बाद पुलिंग सही हो जाएगी। बाकी रही कैस्टर की, तो कैस्टर की एडजस्टमेंट इसमें होती नहीं है। वैसे कैस्टर की रीडिंग आती है और रीडिंग नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, आप उसका आइडिया वैसे लगा सकते हैं। जैसे आप फ्रंट व्हील को साइड से देखें तो हमारा जो फ्रंट व्हील है वो कितना आगे है और कितना पीछे है, इससे आप कैस्टर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा पीछे है तो हो सकता है उस कैस्टर की वजह से पुल कर रही हो, लेकिन ज़्यादातर टायर की ही प्रॉब्लम होती है, तो टायर को एक बार लेफ्ट राइट कराकर देखें। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं कार्तिक बेबिन कट्टी और ये लिखते हैं, सर आर्टिका है, उसके रियर टायर वियर होता है अंदर की साइड में, बुशिंग भी अच्छे हैं, शॉकर भी अच्छा है, बेयरिंग भी अच्छी है, फिर भी टायर वियरिंग होता है। तो कार्तिक जी, आपके पास आर्टिका गाड़ी है और आपकी गाड़ी का रियर टायर वियरिंग हो रहा है, तो आप अपनी गाड़ी की पहले व्हील अलाइनमेंट कराएं। व्हील अलाइनमेंट में रियर टो की पोजीशन को देखें कि वो ज़्यादा आउट तो नहीं है, प्लस में या माइनस में। अगर ज़्यादा रियर टो आउट है तो अपनी गाड़ी का रियर डेड एक्सल चेक कराएं, रियर जिसे रियर ट्यूब कहते हैं, हो सकता है वो कहीं से बेंड हो। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं फारूक 46 जावेद और इन्होंने पाकिस्तान से ये कमेंट लिखा है और इंग्लिश में लिखा है और ये लिखते हैं, सर आई एम फारूक फ्रॉम पाकिस्तान, आई रिसेंटली चेंज टायर ऑफ माय विट्स कार आफ्टर व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग, आई एम स्टिल फेसिंग बबलिंग प्रॉब्लम ऑन पुशिंग एक्सेलरेटर, रनिंग पिकअप अप टू स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर्स एंड आफ्टर 40 किलोमीटर पर आवर्स कार गेट्स स्मूथ एंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक व्हेन स्पीड गेट बिलो 40 किलोमीटर पर आवर्स कार स्टार्ट्स बबलिंग अगेन, इट फील दैट इट इज कमिंग फ्रॉम फ्रंट साइड, सर यू आर रिक्वेस्टेड टू एडवाइज प्लीज। तो सबसे पहले हम इनके शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इतनी दूर से ये कमेंट लिखा, और हम इनको बताना चाहेंगे कि इनकी गाड़ी जैसे ही स्पीड ये देते हैं, एक्सेलरेट रखते हैं, उसके बाद बबलिंग स्टार्ट होती है। तो वैसे 40 की स्पीड तक की जो बबलिंग है वो ज़्यादातर टायर की प्रॉब्लम होती है, और टायर इन्होंने अभी रिसेंटली चेंज कराए हैं तो इनकी प्रॉब्लम कुछ और हो सकती है। जैसे ये अपनी गाड़ी को स्पीड देते हैं, एक्सेलेटर देते हैं, तो एक्सेलेटर देने में इंजन पर लोड पड़ता है और इंजन वाइब्रेट करता है, तो उसके लिए इंजन माउंट सही होना आवश्यक है, हो सकता है इंजन माउंट में प्रॉब्लम हो। उसके बाद जो इंजन की पावर ट्रांसफ़र होती है गियरबॉक्स से, तो गियरबॉक्स में क्लच का भी इशू हो सकता है, और गियरबॉक्स से जो पावर ट्रांसफ़र होती है हमारे एक्सल पर यानी व्हील पर,
तो हो सकता है एक्सेल की भी प्रॉब्लम हो। तो ये दो तीन चीजें हैं, इन्हें चेक करानी पड़ेंगी, और ज्यादातर हो सकता है इनकी एक्सेल की प्रॉब्लम हो, एक्सेल में कहीं से ट्विस्ट आ गया हो जिससे गाड़ी एक्सलेट करने पर पब्लिक करती है। तो अगला कमेंट लिखने वाले हैं गेमर्स स्टूडियो, और ये लिखते हैं, सर मेरी गाड़ी 24,000 किलोमीटर चली है, टाटा टियागो और 2016 मॉडल, और गाड़ी बहुत ज़्यादा बबलिंग करती है भाई। तो भाई आपकी गाड़ी 2016 मॉडल है और 24,000 चली है, तो यानी आपकी रनिंग बहुत कम है, गाड़ी कम चलती है, गाड़ी ज़्यादातर खड़ी रहती है। तो हो सकता है आपकी गाड़ी के टायर में बल्ज आ गया है, यानी टायर फूल गए हैं। क्या होता है कि जब गाड़ी कम चलती है तो हमारी गाड़ी के टायर सूख जाते हैं, क्रैक हो जाते हैं, और उनकी शेप में भी अंतर आ जाता है, यानी कहीं से टायर डी शेप हो जाता है और कहीं से तिरछा या टेढ़ा हो जाता है, जिससे गाड़ी में बबलिंग आ जाती है। आप अपनी गाड़ी के टायर्स चेक कराएं, हो सकता है टायर की प्रॉब्लम से बबलिंग हो रही है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं स्वप्निल बेचारे, और ये लिखते हैं, हेलो सर, अगर गाड़ी न्यू है, 7,000 किलोमीटर चली है, तो भी रियर टायर खराब हो सकता है? देखिए, रियर टायर हो या फ्रंट टायर हो, गाड़ी नई है और 7,000 किलोमीटर चली है तो टायर का कुछ खराब होने वाला नहीं है। और अगर ये 7,000 किलोमीटर आपकी अलाइनमेंट कहीं डिस्टर्ब हुई है, खराब हुई है, तो टायर उससे घिस सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपकी जो 7,000 किलोमीटर गाड़ी चली है वो कितने दिन में चली है, यानी टाइम ज़्यादा हो गया है और गाड़ी 7,000 चली है तो टायर वैसे खराब हो सकता है, टाइम के हिसाब से टायर रबड़ पार्ट है, सूख सकता है, क्रैक हो सकता है, और घिसने का तो मतलब है नहीं, घिसेगा तभी जब आपकी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट आउट होगी। तो वैसे नहीं टायर खराब होता है, आप अगर ज़्यादा टाइम से गाड़ी खड़ी रहती है तब टायर खराब हो सकता है, रियर हो या फ्रंट हो। तो दोस्तों, ये कुछ कमेंट थे आज, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।